जी हाँ दोस्तों, भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए प्लेइंग 11 घोषित कर दी है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्ल्ड कप मैच 8 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसमें भारत को जिताने के लिए रोहित शर्मा ने ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को मौका दिया है जिसको सुन के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थर थर कांप रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है जिनका प्रदर्शन अभी खराब चल रहा है। क्योंकि दोस्तों, रोहित शर्मा किसी भी हाल में वर्ल्ड कप का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना चाहते हैं। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल मिला के 150 ओडीआई मैचेस खेला जा चुका है, जिसमें भारतीय टीम सिर्फ 56 मैच ही जीत पाई है और ऑस्ट्रेलिया ने 83 मैच जीते हैं। तो ओडीआई मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम का पल्ला भारतीय टीम से ज्यादा भारी नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और कौन कौन से खिलाड़ियों को बाहर किया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो खबर की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसमें भारत ने 2-1 से वो सीरीज अपने नाम कर ली थी। आपको ये बता दें कि पहले और दूसरे ओडीआई मैच में केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे। इन दोनों मैचों में भारत की तरफ से सीनियर खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव। लेकिन फिर भी दोस्तों, केएल राहुल की कप्तानी में भारत टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैचेस में शानदार जीत हासिल कर ली। इन दोनों मैचेस में युवा खिलाड़ियों ने काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया था। अगर हम बात करें शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। और अब बात करते हैं तीसरे मैच की, जहां रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे और सभी सीनियर खिलाड़ी उस मैच में खेल रहे थे। रोहित शर्मा की कप्तानी के बावजूद इस तीसरे मैच में भारत को बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर 7 विकेट पर 392 रन बनाए थे, और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था और कोई भारतीय गेंदबाज उनके सामने नहीं टिक पाया था, और इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय टीम को इतना अच्छा टारगेट दे पाई थी। और इसके बाद जब भारतीय टीम बैटिंग करने उतरी तो भारतीय टीम 286 रन में ऑल आउट हो चुकी थी। यानी कि तीसरे ओडीआई मैच पर रोहित शर्मा की कप्तानी पर भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम अभी तक 5 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है, तो इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम ओडीआई फॉर्मेट्स में कितना अच्छा प्रदर्शन करती है। और अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम ने अभी तक 2 बार ही वर्ल्ड कप जीता है। पहला वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में जीता था और दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। उसके बाद से भारत ने अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इसलिए दोस्तों, इस 2023 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि रोहित शर्मा का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इस वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा भारतीय टीम से संन्यास ले लेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए अपने पहले मैच में रोहित शर्मा ने किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है और किन किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। पर उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच जीत जाए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ईशान किशन काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं, अगर वो क्रीज पर टिक जाएं तो वो भारत के लिए बड़ा स्कोर मारने का सोचते हैं। पर ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ओडीआई मैच में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे, और दूसरे मैच में भी वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यानी कि पहले और दूसरे मैच में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फ्लॉप साबित हुए थे। तो क्या वर्ल्ड कप में ईशान किशन को भारतीय टीम की तरफ से मौका दिया जाएगा? वहीं अगर हम बात करें 360 यानी सूर्य कुमार यादव की, तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया था कि उनकी फॉर्म लौट आई है और वो किसी भी टीम के सामने रन बना सकते हैं। और आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, और वो मैदान में हर तरफ शॉट मारना जानते हैं, चाहे वो आगे हो या पीछे, हर तरफ वो अपने रन बनाते हैं और कोई भी बॉलर उनके सामने नहीं टिक पाता है। आपने सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले और दूसरे मुकाबले में देखा ही होगा। पहले मैच में उन्होंने शानदार 50 रन बनाए थे और दूसरे मैच में उन्होंने शानदार 72 रन की पारी खेली थी और भारत को जिताने में अहम हिस्सा निभाया था। सूर्य कुमार यादव जब भी क्रीज पर आते हैं, वो अपने बल्लेबाजी से कहर मचा देते हैं और कोई भी बॉलर हो, किसी भी टीम का हो, वो उनके सामने नहीं टिक पाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षर पटेल भारत के एक बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं,
पर दोस्तों अक्षर पटेल इस समय चोटिल चल रहे हैं और वो 2023 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अक्षर पटेल की जगह वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में किसको मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के लिए वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में रोहित शर्मा ने किन किन भूखे शेरों को मौका दिया है। तो दोस्तों पहले और दूसरे नंबर पर आपको रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा इस समय काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और वो इस समय काफी अच्छी लहर में चल रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार बल्लेबाजी की थी। उन्होंने उस मैच में 57 बॉलों में 81 रन की लाजवाब पारी खेली थी जिसमें 5 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। तो इसी को देखते हुए पहले नंबर पे भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हुए दिखने वाले हैं और दूसरे नंबर की बात करें तो युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को लिया गया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शुभमन गिल एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो हर फॉर्मेट में रन बनाना जानते हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो या टी20 हो, वो हर फॉर्मेट में रन बनाना जानते हैं। आप सबको बता दें कि शुभमन गिल ने भारतीय टीम की तरफ से अभी तक 35 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने शानदार 1917 रन बनाए हैं और उनके नाम शानदार 9 शतक शामिल हैं और 8 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं अगर हम इनकी बेस्ट की बात करें तो इन्होंने एक मैच में 208 रन की शानदार पारी खेली थी। तो इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभमन गिल ओडीआई मैच में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए दिखने वाले हैं। तो वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर विराट कोहली को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि विराट कोहली बहुत ही महान बल्लेबाज हैं और अभी के टाइम पर विराट कोहली ने भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा ओडीआई मैचेस खेले हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली ने भारतीय टीम की तरफ से 281 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने अपने बल्ले से 13,000 से भी ज्यादा रन बना दिए हैं और उनके नाम अभी तक शानदार 40 शतक शामिल हैं, वहीं 65 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं अगर हम उनके बेस्ट की बात करें तो उन्होंने एक मैच में 183 रन की शानदार पारी खेली थी। यानी विराट कोहली का ओडीआई मैचेस में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। वहीं अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन श्रेयस अय्यर को लिया गया है। आप लोग तो जानते हैं कि श्रेयस अय्यर पिछले कुछ दिनों से चोटिल चल रहे थे जिसके कारण श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खेल में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, पर श्रेयस अय्यर इस समय पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और दूसरे ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने अपनी सेंचुरी भी पूरी की थी। यानी कि श्रेयस अय्यर ने उस मैच से भारतीय टीम में बहुत ही शानदार वापसी की है। यानी कि श्रेयस अय्यर इस समय बहुत ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो चौथे नंबर पर आपको श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हुए दिखने वाले हैं। वहीं अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो पांचवें नंबर पर केएल राहुल को लिया गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि केएल राहुल एक शानदार बल्लेबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैचों में कप्तानी भी की थी और अपनी कप्तानी से उन्होंने भारत को दोनों मैच जिताए थे। उन्होंने उन दोनों मैचेस में कमाल की बल्लेबाजी की थी। पहले मैच में उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था और दूसरे मैच में भी उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत को एक शानदार तरीके से जीत दिलाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि केएल राहुल इस समय काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो पांचवें नंबर पर आपको केएल राहुल बल्लेबाजी करते हुए दिखने वाले हैं। और अगर हम केएल राहुल के बाद छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या को मौका मिला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्दिक पांड्या भारत के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हैं। वो खतरनाक बैटिंग करने के साथ साथ खतरनाक बॉलिंग भी कर लेते हैं और अगर कभी भी भारत को विकेट की जरूरत पड़ती है तो हार्दिक पांड्या अपनी खतरनाक बॉलिंग के साथ भारत के लिए विकेट भी निकालना जानते हैं। और वहीं अगर भारतीय टीम को रनों की जरूरत पड़ती है तो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के साथ वो भारतीय टीम के लिए रन भी बनाते हैं। और आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत की तरफ से बड़े बड़े मैचेस भी खेले हैं और इस समय हार्दिक पांड्या बहुत अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। और अगर हम सातवें स्थान की बात करें तो सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा को चुना गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि रविंद्र जडेजा भी भारत के ऑलराउंडर हैं। वो खतरनाक गेंदबाजी के साथ साथ खतरनाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा भारत की तरफ से अभी तक 185 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने अपने बल्ले से 2601 रन बनाए हैं जिसमें अभी तक कोई शतक तो शामिल नहीं है पर 13 अर्धशतक शामिल हैं। और वहीं अगर हम उनके बेस्ट की बात करें तो उन्होंने एक मैच में 87 रन बनाए थे। वहीं अगर हम इनकी बॉलिंग की बात करें तो इन्होंने अभी तक 204 विकेट चटकाई हैं। तो इस बात पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जडेजा का ओडीआई मैचेस में कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है। वहीं अगर हम आठवें नंबर की बात करें तो आठवें नंबर पर चाइना मैन कुलदीप यादव को लिया गया है। आप लोग तो जानते ही हैं कि कुलदीप यादव एक खतरनाक स्पिन बॉलर हैं और इस समय कुलदीप यादव काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। कुलदीप यादव भारत की तरफ से अभी तक 90 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं जिनमें से उन्होंने अभी तक शानदार 150 विकेट चटकाए हैं।
वहीं अगर हम इनके बेस्ट की बात करें तो इन्होंने एक मैच में 26 रन देकर 6 विकेट्स भी चटकाए हैं। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुलदीप यादव इस समय कितनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। वहीं अगर हम 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह भारत के एक जबरदस्त फास्ट बॉलर है और भारत की तरफ से अभी तक जसप्रीत बुमराह ने 70 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिसमें से उन्होंने शानदार 126 विकेट चटकाए हैं। और वहीं अगर हम इनके बेस्ट की बात करें तो इन्होंने एक मैच में शानदार 19 रन देकर 6 विकेट चटकाए हैं। और वहीं अगर हम 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पर मोहम्मद सिराज को चुना गया है। आपने एशिया कप का मैच देखा ही होगा जिसमें मोहम्मद सिराज ने एक ही मैच में 6 विकेट चटकाए थे। आपको बता दें कि उस मैच में मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के बल्लेबाजों को चलने का मौका ही नहीं दिया था। और आपको ये भी बता दें कि मोहम्मद सिराज इस समय ओडीआई रैंकिंग नंबर 1 पे हैं। वहीं अगर हम 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर पर हमारे भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को चुना गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने अभी तक शानदार 171 विकेट चटकाए हैं। वहीं अगर हम इनके बेस्ट की बात करें तो इन्होंने एक मैच में 21 रन देकर 5 विकेट चटकाई हैं। और मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था और इस समय मोहम्मद शमी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है 11 भूखे शेर जिनको भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए चुना गया है। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई और खिलाड़ी है जिसको मौका मिलना चाहिए था उनका नाम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेट का आनंद लेते रहिए।